आपका क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, क्या दिया है 3x माइनस 4y प्लस 5z और यहाँ पर दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 15xz प्लस 20yz। ठीक है, इसको कैसे करना है? तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ थ्री वेरिएबल्स, क्या है हमारी इन टर्म्स ऑफ थ्री वेरिएबल्स दैट टू इन क्यू। तो हमारी क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी दैट इज इक्वल टू, क्या होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी और यहां पर क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है ए बी सी हमारा क्या है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट इज ए, तो ए इज इक्वल टू 3x। व्हाट इज बी, बी इज इक्वल टू माइनस 4y एंड सी इज इक्वल टू 5z। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ये वाली वैल्यूज कहां पर पुट करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड, ओनली लेफ्ट साइड, है ना। जस्ट क्रॉस चेक करके एक देख लो कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो सब सही आ रही है या नहीं। यहां पर आप देखोगे ए स्क्वायर दैट मीन्स 9x स्क्वायर इधर है, बी ये 16y स्क्वायर इधर है, सी 5z यानी 25z स्क्वायर ये रहा। फिर यहां पर देखो माइनस है, माइनस ए बी, तो क्या है हमारा ए बी इज 3 एंड 4 12xy माइनस, माइनस इनटू माइनस इज प्लस। तो क्रॉस चेक करके देखना है ये सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब सिर्फ इतने में वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आता है। हमारा आ जाएगा 3x होल क्यूब प्लस बी क्यूब इज माइनस 4, माइनस 4y होल क्यूब प्लस सी क्यूब इज 5z होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इज 3x इंटू बी इज माइनस 4y माइनस 4y इंटू एंड 5z इंटू 5z। ठीक है, 3 क्यूब इज 27, 27x क्यूब प्लस और इधर माइनस है लेकिन माइनस किस में है क्यूब में, तो माइनस क्यूब इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 4 क्यूब 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64, 64y क्यूब प्लस 5 क्यूब इज 27, सॉरी 5 क्यूब इज 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125, 125z क्यूब। अब माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू इधर 9 हो गया आपका और 5 एंड 4 इज 20, 5 4 इज 20, तो 9 इंटू 20 इज 180, 180x y एंड z, दिस इज योर आंसर। ठीक है,